खाला ने कुछ अपने रिलेटिव से मिलना था, तो मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। मौसम बहुत अच्छा था, सुबह सुबह बारिश हुई हुई थी, तो हमने सियालकोट का प्लान कर लिया। और ये कनाल हाउसिंग स्कीम, कनाल सिटी, ये मामा के कज़न की है। फिर ये सियालकोट कैंटोनमेंट में हम दाखिल हो गए। फिर हमने यहाँ पर मज़े मज़े का फलूदा खाया। ये ज़फ़र अली रोड जहाँ पर हम रहते हैं थे, है नहीं, ये मामा की फ्रेंड का घर है, हमने उनको सरप्राइज़ दिया। फिर रस्ते में हमने एक बाल मरकज़ देखा, साथ साथ मेरे सॉन्ग्स चल रहे थे, गाने सुन रही थी, ज़रा सफ़र अच्छा गुजर जाता है। ये हमारा घर, मेरी बर्थ प्लेस, यहाँ रहे पले बड़े, बहुत अरसा ज़िंदगी का गुजारा। ये हमारा घर, कज़न्स के साथ यहाँ खेलना, बचपन सारा इस घर में गुजरा, तो बड़ा इमोशनल से हो गए थे हम इसको देख के सब। ये हमारे घर के बिल्कुल साथ ही फेडरल बॉयज़ कॉलेज था, बिल्कुल एक ही दीवार है हमारा ये सारा बॉयज़ कॉलेज। ये हैं जी फौजी कैंट एरिया, तो फौजी वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज से वापस आ रहे हैं। ये हमारा सदर बाज़ार, यहाँ से हम शॉपिंग करते थे ईद की बचपन में। ये रोड है, यहाँ पर शुएब मलिक का घर है, ये वाला, ये मलिक अंकल ज़िंदा होते थे तो हम आते थे। ये जी मैंने कुछ बिस्किट्स लिए, बेस्ट बेकरी है सियालकोट की, बेकर से बहुत ही अच्छी। ये मेरे पाँव में चोट लगी हुई थी, मुझे चलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। फिर कुछ मिठाई भी ख़रीद ली हमने। ये बचपन के डॉक्टर, हमारे डेंटिस्ट, छोटे छोटे होते थे हम इनको चेक करवाते थे। ये अब थोड़ी सी वापसी की तैयारी कर ली, ये चेक कर ले, सब कुछ रख लिया है, और बिस्किट्स मैंने पास ही रख लिए थे। पेट्रोल चेक किया, ये जी अब हमने वापसी की तैयारी कर ली। अब हो रहे थे 8:30। मुझे याद आया कि स्कूल ही मैंने अपना देखा, ओहो लामकबाल स्कूल था मेरा, वो नहीं याद रहा देखना। बहरहाल बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल की, और स्पेशली घर को देख के तो बहुत ही इमोशनल हो गए थे हम सभी। और बाकी भी छोटी छोटी शॉप्स, जगह देखी, मामा अपनी फ्रेंड से मिली, उनको हमने सरप्राइज़ दिया, उन्हें नहीं बताया, तो बहुत अच्छा दिन गुजरा। साथ साथ सॉन्ग्स भी सुन रहे थे, और बहुत अच्छा लगा सियालकोट जाकर। बड़े अरसे के बाद घूमे फिरे और अपना होम